मानव जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। संस्कार के द्वारा मानव चरित्र में सद्गुणों का संचार होता है, दोष अवगुण दूर होते हैं। मानव जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक सार्थक बनाने का नाम संस्कार है। संस्कारों से ही नैतिक विकास होता है। हमारी सनातन संस्कृति ही हमें संस्कारों से मिलवाती है और इसी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए वनवासी समाज सुदूर क्षेत्रों में लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ने के लिए एकल अभियान लगातार प्रयासरत है। एकल श्री हरि भारत वर्ष की सभ्यता और संस्कार की रक्षा के लिए पूरे भारत में कार्य कर रहा है। एकल श्री हरि का उद्देश्य वनवासी और ग्रामीण भारत को सनातन संस्कार से जोड़ना, उन्हें जागरूक बनाना है, व्यसन मुक्त समाज बनाना है। ऐसे कई लोग हैं जिनका जीवन एकल श्री हरि से जुड़कर पूरी तरीके से बदल चुका है। आज हम आपको एक ऐसी ही व्यास कथाकार से मिलवाते हैं जो एकल श्री हरि के साथ जुड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी हैं और इसे ही वो अपनी शक्ति समझती हैं। जब मैं श्री हरि सत्संग समिति में नहीं जुड़े थे तो हम लोग घर में शराब बनाते थे और बेचते थे, परंतु जैसे ही मैं श्री हरि सत्संग समिति में जुड़ी और प्रशिक्षण लेकर के अयोध्या से जैसे मैं आई और आ करके सबसे पहले मैं अपना घर में ही शराब बनाने का बंद करवाई। झारखंड के रांची के गांव नाउच की रहने वाली अमृता कुमारी, जो 2013 में एकल के साथ जुड़ी और आज भजन कीर्तन राम कथा के माध्यम से लोगों को बताती हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। पहले अमृता के घर में ही मदिरा बनाई जाती थी, लेकिन आज उनके घर के आंगन में तुलसी का पौधा है जिसकी पूजा वो और उनके परिवार वाले करते हैं। ये बदलाव सिर्फ एकल श्री हरि की वजह से ही हुआ है। श्री हरि सत्संग समिति में जुड़ने से मेरा तो परिवर्तन बदलाव हुआ ही, परंतु मेरा घर में भी, मेरे परिवार के लोगों में भी बदलाव हुआ। जैसे मेरी माँ पहले पूजा पाठ नहीं करती थी, वो भी नहीं जानती थी। जब मैं बताई तब से वह पूजा भी करने लगी। वो दुर्गा पूजा भी करती है, जितिया भी करती है। और मेरे घर में तुलसी पिंडा नहीं था, परंतु जब मैं अयोध्या से प्रशिक्षण लेकर के आई तो मैं घर में खुद से ईंट और सीमेंट ला करके मैं अपना तुलसी पिंडा बनाई और तुलसी का रोपण की, जिसमें मेरी माँ प्रत्येक मंगलवार को जल ढालती है। अमृता अपने जीवन में आए इस अभूतपूर्व बदलाव के लिए एकल श्री हरि का धन्यवाद देती हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें सबके सामने खुद को साबित करने का मौका मिला। पहले उन्हें डर था कि वो कैसे कुछ कर पाएंगी, लेकिन आज वो हजार लोगों के सामने भी अपनी बात रखने से डरती नहीं है। मैं एकल श्री हरि सत्संग समिति से जुड़ी, जिसके कारण मेरा में तो परिवर्तन हुआ ही, मेरे घर के लोगों में भी परिवर्तन हुआ, मेरे आसपास के लोगों में भी परिवर्तन हुआ। और मैं एकल अभियान श्री हरि सत्संग समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यदि मैं यह संगठन से नहीं जुड़ती तो पता नहीं मेरा जीवन आज कैसा होता, कहना बड़ा मुश्किल है। परंतु जैसे ही मैं इस सत्संग समिति से जुड़ी, आज मैं पूरे मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक रूप से सभी जगह मैं बहुत अच्छी हूँ और लोगों से भी मेरा मान सम्मान आदर मिलता है और मैं भी करती हूँ। इसके लिए मैं एकल अभियान श्री हरि सत्संग समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम। एकल श्री हरि के साथ जुड़कर अपने जीवन में बदलाव लाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज निर्माण में सहयोग करने वाली अमृता अकेली नहीं है। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाज को संस्कृति से जोड़ रहे हैं और एकल अभियान के माध्यम से भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।